न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुप्रीम कोर्ट में आयोजित होने वाले संविधान दिवस समारोह में शिरकत करेंगे और ये कार्यक्रम सुबह 10 बजे से शुरू हो गया है। आपको बता दें इसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ई कोर्ट प्रोजेक्ट के तहत कई सेवाओं का शुभारंभ करेंगे और प्रधानमंत्री कार्यालय ने शुक्रवार को ये जानकारी दी है। दरअसल ई कोर्ट प्रोजेक्ट वादियों और वकीलों के लिए न्यायिक प्रणाली को अधिक आसान बनाने का प्रयास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ई कोर्ट प्रोजेक्ट के तहत ही वर्चुअल जस्टिस और इसके साथ ही मोबाइल ऐप 020 और इसके साथ डिजिटल कोर्ट और आपको बता दें वेबसाइट को लेकर भी लॉन्च करेंगे। बताते चले कि संविधान दिवस हर साल 26 नवंबर को मनाया जाता है क्योंकि 1939 में ही इसी दिन संविधान सभा ने भारत के संविधान को अंगीकार किया था और संविधान दिवस की शुरुआत 2015 से की गई थी। बता दें आपको कि आज भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कई जज, सभी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और वरिष्ठतम न्यायाधीश और सॉलिसिटर जनरल कानून से जुड़े तमाम सदस्य मौजूद रहेंगे। गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग के लिए एक हफ्ते से ही कम समय बचा है और सभी राजनीतिक दल जो है मतदाताओं को अपने पाले में करने की कोशिश में लगे हुए हैं और पार्टी गुजरात की जनता से लोक लुभान वादे कर रही है। और इसी बीच ही गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर ही भारतीय जनता पार्टी संकल्प पत्र जारी करेगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल गांधीनगर में मौजूद प्रदेश कार्यालय पर गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 के लिए पार्टी का संकल्प पत्र जारी करेंगे और इस दौरान गुजरात बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल समेत पार्टी के कई अन्य दिग्गज नेता भी वहां मौजूद रहेंगे। बीजेपी सूत्रों की माने तो पार्टी अपने संकल्प पत्र में गुजरात के विकास के मॉडल को और तेजी से लागू करने, खाके के बारे में जानकारी देने के साथ ही मतदाताओं को डबल इंजन की सरकार के आगामी लक्ष्यों के बारे में बताएगी और इसके अलावा बीजेपी अपने संकल्प पत्र में ही जल्द से जल्द राज्य में समान नागरिक संहिता कानून लागू करने का वादा भी कर सकती है। पूर्व केंद्रीय मंत्री हंसराज गंगाराम अहीर को राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इनकी नियुक्ति पर मुहर लगा दी है। और गंगाराम महाराष्ट्र के चंद्रपुर से 4 बार बीजेपी से सांसद रहे हैं। उन्होंने केंद्र सरकार में गृह राज्य मंत्री की जिम्मेदारी भी संभाली है। गंगाराम अहीर ने मनोनयन पर ट्वीट कर आभार जताया है। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय OBC आयोग के अध्यक्ष का पद देने के लिए भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक धन्यवाद और नवीन दायित्व के जरिए पिछड़ा वर्ग के उत्थान के लिए भरसक प्रयास कर पद के साथ न्याय करेंगे। और महाराष्ट्र के डिप्टी CM और BJP देवेंद्र फडणवीस ने भी गंगाराम अहीर को बधाई दी है। फडणवीस ने ट्वीट किया है, पूर्व केंद्रीय मंत्री हंसराज गंगाराम अहीर जी को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किए जाने के लिए हार्दिक बधाई और आपके सफल कार्यकाल की कामना करते हैं। गुजरात में अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां चरम पर पहुंच गई है। वोटरों को अपने पक्ष में करने के लिए सभी पार्टी की ओर से जोर शोर से रोड शो और ताबड़तोड़ चुनावी रैलियां हो रही हैं और आज भी गुजरात में बीजेपी की ताबड़तोड़ रैलियां हैं, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक दिन में 4 रैलियां और रोड शो करते नजर आएंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज गुजरात पहुंचेंगी, 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगी और गुजरात में चुनाव में जीत सुनिश्चित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी ताकत झोंकने जा रही है और हर सियासी दल ने गुजरात में चुनाव प्रचार के लिए अपने बड़े नेताओं को मैदान में उतार दिया है और बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। और इसी कड़ी में गृह मंत्री अमित शाह आज 4 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। गृह मंत्री का रोड शो भी है और इसको लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज गुजरात पहुंचेंगी और 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगी। गुजरात के
में कांग्रेस अध्यक्ष भी अब चुनाव प्रचार की कमान संभालने जा रहे हैं और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए 26 और 28 नवंबर को प्रचार करेंगे। खड़गे से जुड़े सूत्रों की माने तो फिर कांग्रेस अध्यक्ष अहमदाबाद में एक जनसभा को संबोधित करेंगे और गुजरात विधानसभा की कुल 182 सीट है जहाँ दो चरणों में मतदान होगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान ने बीते दिनों निजी क्षेत्र के मिशन को लॉन्च करने के बाद अब नया इतिहास रचने जा रहा है। आपको बताते चले कि इसरो आज मिशन PSLV और C54/EOS-06 को लॉन्च करने का जा रहा है और इसरो ध्रुवीय उपग्रह पर्यवेक्षण यान के साल के ही अंतिम मिशन को लॉन्च करने के लिए तैयार है। आपको बताते चले कि PSLV-C54 मिशन 9 उपग्रहों के साथ ही श्रीहरिकोटा के ही सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में पहले लॉन्च पैड से शुरू होगा जिसमें 8 नैनो उपग्रह शामिल है। इस मिशन को आज सुबह 11:46 पर ही श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया जाएगा। इसका 24 घंटे का काउंटडाउन शुक्रवार को शुरू हो चुका है। बताते चले आपको कि भारत से ही PSLV की 56वीं उड़ान होगी और 2022 में यान का 5वां और अंतिम प्रक्षेपण होगा। 44.4 का रॉकेट 321 टन के उत्थान द्रव्यमान के साथ लॉन्च होगा जिसका प्राथमिक उपग्रह अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 6 होगा। आपको बताते चले कि ऑब्जर्वेशन ऑप्शन सेट 3 को ही भी अब डब किया गया है और मिशन का प्राथमिक पेलोड ओशन सेट सीरीज के थर्ड जनरेशन सैटेलाइट ओशन सेट 3 है। आपको बता दें कि जो कि समुद्र विज्ञान और वायुमंडलीय अध्ययन के लिए समर्पित है, जिसके अलावा ये सैटेलाइट समुद्री मौसम का पूर्ण अनुमान करने में सक्षम है जिससे देश किसी भी चक्रवात के लिए पहले से तैयार है। राष्ट्रीय समय सेवक संघ के ही सरसंघ चालक मोहन भागवत बिहार के 4 दिवसीय दौरे पर शुक्रवार को पटना पहुंचे और भागवत आज रात्रि पटना के ही राजेंद्र नगर में मौजूद RSS कार्यालय में विश्राम करेंगे। शनिवार सुबह बक्सर रवाना होंगे। गौरतलब है कि भागवत 15 दिन पहले ही बक्सर गए थे जहाँ उन्होंने 9 दिन लंबे धार्मिक सम्मेलन का उद्घाटन किया था और भागवत का एक धार्मिक नेता मामा जी महाराज की याद में आयोजित समारोह में हिस्सा लेने का कार्यक्रम है। RSS प्रमुख आज शाम ही पटना लौट आएंगे और रविवार को छपरा जाएंगे जहां वो स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। सोमवार को दरभंगा में ही संघ के सभी सेवकों से चर्चा के साथ उनका बिहार दौरा समाप्त हो जाएगा। खबर फिरोजाबाद से है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को जनपद पहुंचे और जहां उन्होंने आपको बता दें कि 269 करोड़ की और 248 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है और साथ ही प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि डबल इंजन की सरकार बगैर भेदभाव के साथ समाज के हर वर्ग के लिए काम कर रही है, लेकिन कुछ लोग वोट देने में भेदभाव बरत रहे हैं। दरअसल सीएम योगी तय कार्यक्रम के अनुसार शुक्रवार को ही हेलीकॉप्टर द्वारा पुलिस लाइन पहुंचे और जहां से 3:30 तिलक इंटर कॉलेज के मैदान में पहुंचे और उन्होंने ही वहां पर मुलाकात की है और इसके साथ ही कई योजनाओं और पीएम स्वनिधि योजना और पीएम आवास योजना इत्यादि के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया है। इसके बाद उन्होंने बटन दबाकर 169 करोड़ की कई 248 योजनाओं का ही लोकार्पण और शिलान्यास किया है। अपने संबोधन के जरिए उन्होंने फिरोजाबाद के काज कारोबारियों और किसानों को लुभाने की कोशिश की है। कहा है कि मुझे विधानसभा चुनाव के बाद आज यहाँ आने का मौका मिला है। पिछले नगर निकाय चुनाव में अपने डबल इंजन के साथ बीजेपी को वोट देकर नगर निगम में ट्रिपल इंजन की सरकार बनाई थी और उसी के फल स्वरूप आज फिरोजाबाद को 270 करोड़ की योजनाओं का लाभ मिल सका है। और सीएम ने यह भी कहा है कि फिरोजाबाद को राज्य स्मार्ट सिटी योजना में शामिल कर इसका विकास कराया जा रहा है और विकास के साथ साथ ITMS के जरिए ही ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारा जा सकता है। आने वाले समय में ये सिस्टम अपराध रोकने में भी सहायक बनेगा और कहा कि वैसे तो अपराधी जेल में है, लेकिन अगर कोई चंट मुंट अपराध करेगा तो अगले चौराहे पर ढेर हो जाएगा। उन्होंने किसानों के लिए कहा कि ये आलू क्षेत्र है, आलू किसानों के लिए एक प्रोसेसिंग प्लांट मथुरा में लगाया जा रहा है
और इसके साथ ही उन्होंने बताया है कि फिरोजाबाद के साथ साथ आसपास अन्य जनपदों के आलू किसानों के लिए भी कोई इंतजाम करेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार सभी को सुरक्षा मुहैया करा रही है और प्रदेश दंगा मुक्त हुआ है, जिससे दोनों ही वर्ग सुरक्षित है। इटावा मेनपुरी लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी रघुराज सिंह शाक्य के समर्थन में ही जसवंत नगर में प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करने पहुंचे उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक पहुंचे और हजारों लोगों की भीड़ को संबोधित करते हुए उन्होंने रघुराज सिंह शाक्य के पक्ष में मतदान करने की अपील की है। और इसके साथ साथ उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यशैली का व्याख्यान भी करते हुए बीजेपी की नीतियों के बारे में भी बताया है। मीडिया से बात करते हुए उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने कहा कि देश की आज़ादी के बाद सारे गढ़ चले गए थे और देश और प्रदेश की जनता जैसे चाहती है वही नेतृत्व करता है। मेनपुरी लोकसभा क्षेत्र में इस बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रघुराज सिंह शाक्य प्रचंड बहुमत से चुनाव जीतेंगे और डिप्टी सीएम ने कहा कि ये चुनाव मेनपुरी के विकास के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए, मेनपुरी को प्रदेश का अव्वल दर्जे का लोकसभा सीट बनाने के लिए हो रहा है। हम प्रतिबद्धता के साथ मेनपुरी के लोगों से कहना चाहते हैं कि रघुराज शाक्य कमल चुनाव चिन्ह पर जीतेंगे। मेनपुरी लोकसभा क्षेत्र को विकास के मामले में पूरे प्रदेश में नंबर एक पर मॉडल लोकसभा डिवेलप करेंगे और ये जिम्मेदारी रघुराज शाक्य और भारतीय जनता पार्टी की है। सपा के दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री विजेंद्र पाल सिंह का निधन हो गया है। उन्होंने लंबी बीमारी के चलते मुरादाबाद के सिद्ध हॉस्पिटल में उपचार के दौरान अंतिम सांस ली है। उनकी पुत्री और असमोली विधानसभा क्षेत्र से सपा विधायक पिंकी यादव ने ट्वीट कर उनके निधन की जानकारी दी है। निधन की खबर पर सपा मुखिया और पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने ट्वीट कर दुख जताया है। कहा है कि संभल जिले के फरीदपुर गाँव में मौजूद आवास पर उनका अंतिम संस्कार होगा। और इसी खबर पर हमारे साथ संभल से संवाददाता प्रदीप मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, जिस तरह से सपा नेता विजेंद्र पाल सिंह का निधन हो गया है, बड़ी दुख की खबर है। जी, मैं आपको बता दूं कि विजेंद्र पाल सिंह नेता पूर्व मंत्री रहे, पूर्व सांसद भी रहे संभल से ही, मुरादाबाद जिला। उसके बाद में जो है ये लगातार अब कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे, बीमारी के कारण मतलब की उनकी मृत्यु हुई है और आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन जैसे उनकी मृत्यु हुई है उससे समाजवादी पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगा है। बहुत बड़े लीडर थे संभल के अध्यक्ष जी प्रदीप। और यहाँ अभी कौन कौन वहां पर पहुंच चुका है मौके पर? जी मौके बता दू, मौके पर तमाम सपा के जो नेता है जिले स्तर के, मंडल स्तर के, वो लोग लगातार पहुंच रहे हैं वहां पर। उनका जमुन लगा हुआ नेता होगा और लगातार, क्योंकि अखिलेश यादव की चुनाव में बिजी है, समय समाज नहीं आ सकते, शायद हो सकता है सात दिन तक हुआ है। लेकिन लोकल नेता जो है वो सभी लोग, विधायक सांसद सब लोग नहीं है जी। प्रदीप, अखिलेश यादव ने भी ट्वीट करके अब दुख जता दिया है और कई नेता भी इसको लेकर दुख जता रहे हैं। हाँ जी, मैं आपको बता रहा हूँ, लगातार दिग्गज नेता थे और बड़े नेता थे, पूर्व सांसद थे, पूर्व मंत्री थे। इनकी पत्नी जो जिला पंचायत अध्यक्ष रही है, इनकी पत्नी जो विधायक लगातार दूसरी बार विधायक है असमोली से, तो इसलिए बड़े लीडर में इनकी गिनती आती थी। उसी को देखते हुए तमाम सपा के नेता जो है और पार्टी को उस समय बहुत बड़ी क्षति हुई संभल क्षेत्र में कि इनके विधान में बहुत अच्छा मतलब पार्टी को बढ़ रही थी और लगातार निगाह बन हुई थी, लेकिन इनकी मृत्यु से बहुत बड़ी क्षति हुई पार्टी को हुई है। जी जी प्रदीप, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए। खबर उन्नाव से है। यहाँ जिला अस्पताल में आज इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा आयोजित स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का जिलाधिकारी और अपूर्व दुबे और उत्तर प्रदेश रेड क्रॉस सोसाइटी की महासचिव हेमा बिंदु नायक द्वारा फीता काट कर शुभारंभ किया गया है। शुभारंभ के मौके पर डीएम ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि रक्तदान महादान है, हमारे द्वारा किए गए रक्तदान से कई लोगों की जिंदगी बच सकती है और रक्तदान कर हम जहां एक और किसी की जान बचाते हैं और वहीं दूसरी ओर इससे हमें आत्मसंतुष्टि जो है वो मिलती है। इसलिए प्रत्येक स्वस्थ व्यक्ति
को ही रक्तदान अवश्य करना चाहिए। उत्तर प्रदेश रेड क्रॉस सोसाइटी के महासचिव ने कहा कि रेड क्रॉस सोसाइटी की जनपद उन्नाव द्वारा जन कल्याण सत्य सेवाएं दी जा रही हैं। आज यहाँ पे अभी सीएमओ साहब से पता चला कि यहाँ पे ब्लड की कमी हो रही थी, तो रेड क्रॉस के हमारे पूरे सचिव और चेयरमैन साहब और पूरा टीम यहाँ पे ब्लड बैंक सॉरी ब्लड डोनेशन का कैंप आयोजन किया है कि लोगों को रक्त की कमी ना हो यहाँ पे। खबर बाराबंकी से है। बाराबंकी जिले से होकर गुजरे अयोध्या हाईवे पर मौजूद सफेदाबाद में कालिका हवेली नाम के रेस्टोरेंट से मामला सामने आया, जहां रेस्टोरेंट के मैनेजर समेत करीब दो दर्जन लोगों पर मारपीट और जान से मारने की कोशिश का आरोप लगा है। और इस मारपीट में ईशांत मिश्रा और शौर्य मिश्रा नाम के दो लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। वहीं इस मामले में बाराबंकी के अपर पुलिस अधीक्षक भूपेंदु सिंह ने बताया है कि कालिका रेस्टोरेंट में खाना खाने आए लोगों के साथ मारपीट की घटना हुई है और पुलिस ने पीड़ितों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर दिया है। एएसपी के मुताबिक रेस्टोरेंट के सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में ले लिया गया है, जिसे पहचान के बाद ही बाकी आरोपियों को भी जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जनपद बाराबंकी के थाना कोतवाली अंतर्गत स्थित कालिका रेस्टोरेंट पे खाना खाने आए एक परिवार के साथ मारपीट की घटना प्रकाश में आई है, जिस पर की तहरीर पर तुरंत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है तथा और इसी खबर पर हमारे साथ बाराबंकी से हमारे संवाददाता अबू तला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अबू, रेस्टोरेंट में हंगामा हुआ है, मारपीट का मामला सामने आया, पूरा मामला क्या है विस्तार से बताइए। जी, पूरा मामला यह है कि मिश्रा परिवार जन्मदिन मनाने के लिए कालिका हवेली रेस्टोरेंट पे गया था। वहां पर शाकाहारी खाना उसने ऑर्डर किया था। शाकाहारी खाना ऑर्डर करने बाद वहाँ के वेटर ने मांसाहारी खाना लेके आया। उस बात पे बहस होने लगी। बहस होने के बाद दोनों में झड़प हुई। झड़प होने के बाद जैसे वहाँ के मैनेजर ने तुरंत जो है वहाँ कर्मचारियों को बुलाकर उसका कॉलर पकड़ लिया। उसके बीच बराव करने लोग आए, लेकिन वहाँ के कर्मचारियों ने लगभग एक दर्जन कर्मचारियों ने लाठी डंडों से उनको मिश्रा परिवार को मारना शुरू कर दिया, जिसमें दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और घायल होने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने इस पे कार्रवाई की और सीसीटीवी आधा दर्जन लोगों को गिरफ्तार किया। उसके बाद सीसीटीवी फुटेज को खंगालने के बाद जो उसमें आरोपी हैं और गिरफ्तारी की बात की जा रही है। जी, जिस तरह से बताया जा रहा है कि इसमें कई लोग घायल भी हुए हैं, अबू तो उनकी हालत कैसी है? अब उनको बाराबंकी ट्रामा सेंटर रिफर कर दिया गया था। उनकी हालत गंभीर बताई जा रही थी और तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जी, अब जो आरोपी फरार चल रहे हैं उनकी गिरफ्तारी की जा रही है। जी अबू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए। उन्नाव में बिजली चेकिंग टीम पर हमले की सूचना से हड़कंप मच गया है और बिजली चोरी की शिकायत पर ही टीम को दौड़ाया गया। बताया जा रहा है कि मारपीट करने वाले की तलाश में फोर्स लगाई गई है। उन्नाव कोतवाली के तालिब सराय मोहल्ले का मामला बताया जा रहा है, जहां पर उन्नाव में मारपीट का मामला सामने आया है और ये भी जानकारी सामने आई है कि बिजली चेकिंग टीम पर यह हमला किया गया है। मारपीट करने वालों की अब छानबीन की जा रही है, वहीं पुलिस बल भी मौके पर तैनात नजर आ रहा है। और इसी खबर पर हमारे साथ उन्नाव से संवाददाता मोहम्मद अब्बास हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहम्मद, मारपीट करने वालों पर तलाशी जो है उनकी की जा रही है और इसके साथ ही ये बताया जा रहा है कि बिजली चेकिंग टीम पर यह हमला किया गया है, यह हमला क्यों हुआ है? जी बिल्कुल, आपको बता दें उन्नाव कोतवाली के तालिब सराय मोहल्ले का ये बुरा मामला है, जहाँ
सूचना चोरी की सूचना पाकर बिजली टीम वहां पर मौके पर पहुंची थी और वहां जो चेकिंग कर रही थी उसी के दौरान जो वहां लोग थे वहां उन लोगों को ये बताया जा रहा है, उन लोगों का कहना ये है कि उन लोगों को लगा कि कोई वसूली करने वाली जो टीम है अक्सर यहां आती है वसूली करके ले जाती है, तो इसके चलते यहाँ हम लोगों को लगा कि ये जो टीम है ये उनकी टीम है फेक है, जो टीम यहाँ आई वसूली करने आई इसके जानकारी मिली, तो इसके बावजूद इन लोगों ने उसको दौड़ाया है। जो तो मारपीट का मामला भी सामने आया कि जो जेई आया था उनसे मारपीट भी की गई है, तो ये जो पूरा मामला था इस पर सूचना पर पहुंची जो वहाँ मौके पर पुलिस है वो सूचना पर पहुंची वहाँ पर और उन्हीं ने जानकारी कर रही है, मगर लेकिन अभी तक कुछ पता चल पाया है कि मारपीट क्यों हुई थी। जी जी मोहम्मद, जिस तरह से इसमें बताया जा रहा है कि गलत फहमी की वजह से ये मारपीट की गई है, और मारपीट में क्या कुछ लोग घायल भी बताए जा रहे हैं? जी घायल जो जेई है उनके थोड़ी चोट आई थी उसमें, मगर जो पुलिस को इसकी मतलब तहरीर भी नहीं दी गई है इस मामले की और इसको मामले को रफा दफा किया गया है। जी जी मोहम्मद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हम जानकारी देने के लिए। हरदोई में शहर के लखनऊ रोड मार्ग पर नव विकसित कॉलोनी में विभागीय बिजली सामग्री मिलने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बिजली विभाग के अनुसार प्रॉपर्टी डीलर सामग्री के संबंध में ही कोई जानकारी नहीं दे सके और वहीं अवर अभियंता की ओर से देहात कोतवाली में तहरीर दी गई और अधीक्षक अभियंता की ओर से पुलिस अधीक्षक को संबंधित के खिलाफ कार्रवाई के लिए पत्र लिखा गया है। आपको बताते चले कि शहर के आसपास क्षेत्र में प्लांटिंग एरिया में अवैध रूप से बिजली लाइनें बना दी गई हैं और जिसका विभाग के पास कोई विवरण नहीं है, विभागीय मिली भगत से बनाई गई है और इन बिजली लाइनों के संबंध में उच्च अधिकारियों को शिकायत दी गई है जिनकी टीम बनाकर जांच की जा रही है और प्रॉपर्टी डीलर को बिजली सामग्री के विषय में जानकारी देने के लिए नोटिस भी जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि अधिशासी अभियंता द्रिवेदी के नेतृत्व में ही 6 टीम ने लखनऊ मार्ग पर बन रही कॉलोनी पर छापा मारा। अधीक्षण अभियंता रामदास ने बताया है कि वहां पर 20 बिजली पोल की लाइन बनी मिली और सभी बिजली पोल पर विभागीय नाम दर्ज है और जो 650 मीटर की केबल पर पड़ा था उस पर सौभाग्य योजना अंकित था। प्रॉपर्टी डीलर से सामग्री के संबंध में प्रपत्र मांगे गए और मगर वो लोग कोई भी प्रपत्र नहीं दिखा सके, इस पर टीम ने केबल उतार कर कब्जे में ले गई है और बिजली पोल को भी उखाड़ने के निर्देश दे दिए हैं। विभागीय सामग्री के विषय में ही जानकारी न देने पर टीम के सदस्य की ओर से तैयार आख्या के आधार पर अवर अभियंता के देहात कोतवाली में तहरीर दी। FIR दर्ज न होने पर अधिशासी अभियंता के नेतृत्व में टीम के सदस्यों ने अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी से मुलाकात की है और पुलिस अधीक्षक को रिपोर्ट दर्ज करने के संबंध में पत्र दिया है। अधिशासी अभियंता रामदास ने बताया है कि सभी प्रॉपर्टी डीलर को उपखंड अधिकारियों की ओर से नोटिस कर सामग्री का वितरण मांगा गया है, शिकायत मिलने पर ही कार्रवाई की गई है। विभाग की ओर से इससे पूर्व शाहजहांपुर मार्ग पर 6 विद्युत पोल की और बिलराम साड़ी मार्ग पर 16 विद्युत पोल की लाइन उतारी गई थी जिस पर कार्रवाई के लिए संबंधित SDM को भू स्वामी के संबंध में ही पत्र लिखकर जानकारी मांगी गई है और सामग्री भी कब्जे में ले ली गई है। और इसी खबर पर हमारे साथ हरदोई से संवाददाता मोहम्मद आसिफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आसिफ, जिस तरह से मामला सामने आया है बिजली सामग्री को लेकर, पूरा मामला क्या है विस्तार से बताइए। जी आपको बताना चाहूंगा, यह पूरा मामला हरदोई के लखनऊ रोड स्थित नव विकसित कॉलोनी में विभागीय बिजली सामग्री मिलने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहाँ पर चोरी की बिजली जलाते हुए कटिए पकड़ी गए हैं जिनको जो है एप्लीकेशन भी पुलिस अधीक्षक को दी गई है कार्रवाई के लिए। जी बिजली विभाग ने सीज कर दिया है और मतलब कितने पोल वहां पर मौजूद थे? आशिफ मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी आशिफ, बिजली विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है, इसमें जो आरोपी है उनके ऊपर भी कोई कार्रवाई की जा रही है? हाँ जी, एप्लीकेशन दी गई है और उसी के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। जी आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए।
आगरा में किसानों का आगरा विकास प्राधिकरण में जोरदार हंगामा देखने को मिला है और बैठक में हिस्सा लेने आए किसान प्राधिकरण अधिकारियों की बात से असंतुष्ट नजर आए हैं। अचानक उपाध्यक्ष से उठकर जाने के आक्रोशित किसानों ने अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। बताते चले आपको कि 2009 में अधिग्रहित हुई जमीन के मुआवजे को लेकर बैठक होनी थी और वहीं नाराज किसानों ने डीएम ऑफिस पहुंचकर धरना शुरू किया है। अधिकारियों पर गुमराह करने का भी आरोप लगाया गया है। किसान बहुत दिन से सफर कर रहा, 13 वर्ष से ज्यादा हो गए। डीसी महोदय ने तो किसानों को मजाक बना दिया, यानी बुला लिया बैठक को, छोड़ के भाग गए। कोई भी अधिकारी नहीं भागता किसानों के पीछे, देश का प्रधानमंत्री भी नहीं भागा, मुख्यमंत्री भी नहीं भागा, ओबीसी साहब भागे, किसानों को मजाक बना दिया। और इसका जल्द ही किसानों ने उनका बहिष्कार भी किया है। तुम किसानों को छोड़ के भाग सकते हो तो हम तुम्हारा बहिष्कार भी करते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।